हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट प्रोग्राम नंबर सेकंड, आत्मा एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। सो गाइस, जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें हम लोग एज ए प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट जो हमारा प्रोग्राम था वो किसान कॉल सेंटर था, जिसको हम लोगों ने कवर किया। सेकंड जो हमारा प्रोग्राम है आत्मा, इस सीरीज में हम लोग जितने भी एक्सटेंशन के प्रोग्राम हैं उसको हम लोग स्टेप टू स्टेप कवर करेंगे। सो आज का जो सेशन है हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी आत्मा, सेकंड पॉइंट, आत्मा इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880। तो आत्मा एज ए ऑटोनॉमस बॉडी है, जो कि रजिस्ट्रेशन जिसका हुआ था वो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो बना था 1880 में, उसके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। नेक्स्ट, That has considerable operational flexibility। तो as a constable किया जाता है और ये operational flexible होता है, ये खुद की autonomous होता है, खुद के rule बनाता है, खुद के regulation बनाता है और खुद ही उसको as a formulate करता है। Then example, it can receive and dispense government fund, enter into contract collect। तो as a ये directly government से fund मतलब receive करता है और जो भी NGO होते हैं उनसे भी fund प्राप्त करता है। तो ये as a इसको बोलते हैं operational flexibility, खुद का operation या खुद के fund ये government से पा के और अपना खुद का ये program बनाता है, खुद ही fund को किस तरह spend करना है खुद अपना ये बनाता है। देन फीस एंड चार्ज फॉर सर्विसेज, तो एज ए जो फीस और चार्ज है वो जो सर्विस देता है एज ए आत्मा उसके थ्रू भी ये लेता है। देन एन एडिशन इट ऑपरेट अंडर द गाइडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ गवर्निंग बोर्ड। तो एज ए जो ऑपरेट होता है और गाइडेंस और डायरेक्शन जो इसका होता है वो एज ए जी बी बॉडी होती है, गवर्निंग बॉडी होती है। देन गवर्निंग बोर्ड्स डिटरमाइन द प्रोग्राम प्रियोरिटी एंड असेसेस द इम्पैक्ट ऑफ प्रोग्राम। तो जो गवर्निंग बोर्ड होता है वो असेस करता है जो भी प्रोग्राम होता है उसको किस तरह से फॉर्मुलेट करना है और उसको डिटरमाइन मतलब एज ए टाइम टू टाइम करता है कि एज ए क्या इसका इवोल्यूशन करता है, क्या इसका रिजल्ट मिला इस प्रोग्राम का और क्या होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हाट इज आत्मा। आत्मा इज ए सोसाइटी ऑफ स्टॉक होल्डर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। तो आत्मा एक एज ए सोसाइटी है या स्टॉक होल्डर है जिसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी को किया जाता है फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए इन ए डिस्ट्रिक्ट। तो एज ए ऑटोनॉमस बॉडी है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पॉलिसी को फॉर्मुलेट करती है। देन इट इज़ ए फोकल पॉइंट फॉर इंटीग्रेटिंग रिसर्च एंड एक्सटेंशन एक्टिविटी एंड डिसेंट्रलाइजिंग डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम। तो जो फोकल पॉइंट इसका है वो इंटीग्रेट करता है रिसर्च और एक्सटेंशन की एक्टिविटियों को और डिसेंट्रलाइज करके डे टू डे जो मैनेजमेंट एक्टिविटी होती हैं उसको एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फॉर्मुलेट करता है और इसको इसलिए बोलते हैं पब्लिक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी सिस्टम, ETS भी इसको बोलते हैं। इट इज़ अ रजिस्टर्ड सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल फॉर टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो यह रजिस्टर्ड सोसाइटी है जो कि रिस्पॉन्सिबल होती है टेक्नोलॉजी को डिसिमिनेट करने के लिए एज ए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। देन वाई आत्मा, द आत्मा एट डिस्ट्रिक्ट लेवल रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन एक्टिविटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आत्मा जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे रिस्पॉन्सिबल होती है जो भी उनके प्रोग्राम होते हैं उसको ये फॉर्मुलेट करती है और उसको एज ए डिसिमिनेट करती है। देन नॉन द लाइन एक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट लेवल इट वुड हैव लिंकेज विद ऑल दी लाइन डिपार्टमेंट। तो इसका जो लिंकेज होता है जितने भी एज ए डिपार्टमेंट होते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गवर्नमेंट के एज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, तो उनसे ये लिंक करता है। देन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से भी इसका लिंकेज होता है। देन एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन डिस्ट्रिक्ट, तो एग्रीकल्चर जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं उससे भी इसका एसोसिएटेड होता है विद एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट। एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को डेवलपमेंट करने के लिए होल डिस्ट्रिक्ट में इसका जो ये रिसर्च डिपार्टमेंट के साथ, लाइन डिपार्टमेंट के साथ, नॉन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर वर्क करता है। तो इसका जो एज ए गवर्निंग बॉडी का GB का जो हेड होता है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, जो हेड होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। और जो मेंबर होते हैं गवर्निंग बॉडी में वो 16 मेंबर होते हैं और 2 ईयर के लिए अपॉइंटमेंट किए जाते हैं। और जो मैनेजमेंट कमेटी का हेड होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है और मैनेजमेंट कमेटी में टोटल 12 मेंबर होते हैं।
देन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आत्मा, तो आत्मा वुड बी सपोर्टेड बाय गवर्निंग बोर्ड जीबी एंड मैनेजमेंट कमेटी। तो आत्मा का जो एज ए टोटल डील किया जाता है या गवर्न किया जाता है वो एएमसी मैनेजमेंट कमेटी और जीबी गवर्निंग बोर्ड से किया जाता है। द गवर्निंग बोर्ड इज ए पॉलिसी मेकिंग बॉडी एंड प्रोवाइड गाइडेंस एज वेल एज रिव्यू द प्रोग्रेस एंड फंक्शनिंग ऑफ आत्मा। तो गवर्निंग बोर्ड बॉडी जो होती है, बोर्ड होता है, वो पॉलिसी मेक करता है, पॉलिसी बनाता है और गाइडेंस प्रोवाइड करता है और रिव्यू करता है प्रोग्रेस का, फंक्शन के आत्मा का। देन द मैनेजमेंट कमेटी वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ आत्मा। तो मैनेजमेंट कमेटी जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है प्लानिंग करने का और उसको एज ए इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए डे टू डे पे एक्टिविटी जो आत्मा को होती है उसके लिए। देन टू आइडेंटिफाई लोकेशन स्पेसिफिक नीड ऑफ ट्रेनिंग कम्युनिटी फॉर फार्मिंग बेस्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो आत्मा का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्पेसिफिक लोकेशन स्पेसिफिक जो नीड होती है फार्मिंग को उसको आइडेंटिफाई करती है। देन टू सेट अप प्रियोरिटी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट विद ए फार्मिंग सिस्टम अप्रोच। तो सेट करती है प्रियोरिटी जो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसके लिए। देन द ड्रा प्लान फॉर प्रोडक्शन बेस्ड सिस्टम एक्टिविटी टू बी अंडरटेकन बाई फार्मर अल्टीमेट यूजर। तो ये प्लान बनाती है प्रोडक्शन बेस्ड की, हायर प्रोडक्शन कैसे किया जाए, क्या क्या न्यू टेक्नोलॉजी को अपना कर फार्मर को और अल्टीमेट जो यूजर होते हैं उनको प्रोवाइड कराती है। देन टू एग्जीक्यूट प्लान थ्रू द डिपार्टमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन एनजीओ फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन। तो जो प्लान होते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाती है जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन होते हैं, एनजीओ होते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और अलाइड इंस्टीट्यूशन से मतलब ऐसे सबके साथ कोलाबोरेशन करके टोटल जो ओवरऑल डिस्ट्रिक्ट में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होता है ये करता है। देन टू कोऑर्डिनेट एफर्ट मेड बाई डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट्स एनजीओस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन एंड अलाइड इंस्टीट्यूशन टू स्ट्रेंथन रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर लिंकेज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रमोट द कोलाबोरेशन एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस स्टेट फंडेड टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो ये कोऑर्डिनेट करता है और एफर्ट करता है मिलकर, साथ मिलकर जो लाइन डिपार्टमेंट होते हैं, एनजीओ होते हैं, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और अलाइड इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, रिसर्च एक्सटेंशन फार्मर लिंकेज होते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कोलाबोरेशन करके और कोऑर्डिनेशन करके और जो भी स्टेट के टेक्निकल फंड डिपार्टमेंट के होते हैं उनसे भी ये साथ मिलकर वर्क करता है। देन टू फैसिलेट द एम्पावरमेंट ऑफ फार्मर प्रोडक्ट थ्रू असिस्टेंट फॉर द मोबिलाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन इनटू एसोसिएशन। तो ये फैसिलेट करता है एम्पावरमेंट के लिए फार्मर के और उनके प्रोडक्ट के थ्रू एज असिस्टेंट ऑफ मोबिलाइजेशन, एज ए मोबिलाइज करके मतलब वन प्लेस से सेकंड प्लेस पे ले जाकर उसको और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटन करके तो ये वर्क करता है। देन कोऑपरेटिव एटसेक्टा फॉर देयर इंक्रीज पार्टिसिपेशन इन प्लानिंग। तो जैसे कोऑपरेटिव हो गया और उसमें पार्टिसिपेट करके वो इंक्रीज करता है प्लानिंग का, एज ए पार्टिसिपेशन का उसमें इंक्रीज कराता है फार्मर का। देन मार्केटिंग टेक्नोलॉजी डिसिमिनेशन एंड एग्रो प्रोसेसिंग एटसेक्ट्रा। तो मार्केटिंग के बारे में इनको टेक्नोलॉजी बताता है और एग्रो प्रोसेसिंग जो होती है उस इंडस्ट्री को या इंटरप्राइज को एस्टेब्लिश करवाता है। नेक्स्ट टू फैसिलिटेट मार्केट इंटरवेंशन फॉर वैल्यू एडिशन टू फार्म प्रोड्यूस। तो ये मार्केट इंटरवेंशन को जो भी होते हैं इंटरवेंशन लाइक वैल्यू एडिशन और फार्म प्रोड्यूस को एज ए सिंगल फॉर्म में फार्मर के साथ फैसिलेट करवाता है। देन कंक्लूजन एज दिस कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन पार्टिसिपेटरी अप्रोच इट इन्हेंसेस सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ रूरल पीपल एंड हेंस लीडिंग टू देयर ओवरऑल डेवलपमेंट। तो एज ए जो कंक्लूजन निकल के आता है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो पार्टिसिपेटरी अप्रोच है फर्स्ट ऑफ ऑल और जो कि इन्हेंस करता है सेल्फ कॉन्फिडेंस फार्मर का और उनकी जो एफिशिएंसी रूरल पीपल की एफिशिएंसी होती है, लिविंग स्टैंडर्ड होती है या उनके प्रोडक्शन होती है उनको इन्हेंस करता है और ओवरऑल उनके जो डेवलपमेंट में इसका काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है। एंड देन थैंक यू। सो गाइज, जो जितने भी आत्मा से रिलेटेड टॉप मतलब एज ए कॉन्सेप्ट थे या आपके जो डाउट रहे होंगे वो आई थिंक मुझे लगता है इस लेक्चर से क्लियर हो गए होंगे। जैसे कुछ और भी आत्मा से, तो हम लोगों ने पहले बता दिया कि
जो गवर्निंग बोर्ड होता है उसका हेड जो होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, और मैनेजमेंट कमेटी का जो हेड होता है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर होता है। गवर्निंग बोर्ड में टोटल 16 मेंबर होते हैं 2 ईयर के लिए, और जो मैनेजमेंट कमेटी में होते हैं वो 12 मेंबर होते हैं। और आत्मा की जो FISC होती है वो ब्लॉक लेवल पे वर्क करती है। जैसे FISC को बोलते हैं फार्मर्स इंफॉर्मेशन एंड एडवाइजरी सेंटर्स, जो ब्लॉक लेवल पर वर्क करती है। और आई थिंक जो फर्स्ट टाइम पे इन इटली आत्मा इंट्रोड्यूस हुआ था वो 28 डिस्ट्रिक्ट में और 7 स्टेट में स्टार्ट हुआ था। और आत्मा जो है फर्स्ट टाइम पे 1998 में स्टार्ट हुआ था एज डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऑटोनोमस बॉडी। और फिर इसका जो रिफॉर्म किया गया या इसमें थोड़ा सा रिफॉर्म करके 2005 में किया गया। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बुक में जो इसका स्टार्टिंग ईयर है 2005 दिया है, जबकि एक्चुअल इसका एक्ट जो डेट है वो 1998 है। सो प्लीज़ जो अगर किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है तो 1998 ही आप टिक करिए। सो आई थिंक आज का जो ये सेशन है हम लोग एंड करते हैं। जो भी आपके डाउट या सजेशन होंगे प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन बॉक्स में राइट डाउन करिएगा। सो मैक्सिमम से मैक्सिमम इस वीडियो को शेयर करिए। आज का सेशन है हम लोग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।